ज्योति, तूने टेलीग्राम क्यों भेजा था? पता है, नानी और मम्मी को शक हो गया था, मगर बच गई। क्या बात है, वहाँ सब ठीक ठाक तो है ना? नहीं नहीं, यहाँ पर तो बहुत गड़बड़ चल रही है। तुम्हारी जो डांस टीचर है ना, वो पापा के साथ शादी करने का प्रोग्राम बना रही है। क्या, डैडी से शादी? पर लेकिन ये सब कैसे हुआ? पता नहीं, उस डांस टीचर ने पापा को पूरी तरह फांस लिया है। जब देखो तब शराब पीते रहते हैं पापा, पहले जैसा प्यार भी नहीं करते। ज्योति, अगर वो डांस टीचर शादी करके घर में घुस गई ना, तो हमारी माँ तो उस घर में कभी जा ही नहीं सकेगी। कि हम जिंदगी भर माँ बाप के प्यार के लिए तरसते रहेंगे। तू ठीक ही कह रही है किरण, हमें कुछ करना चाहिए। तू भी सोच। मैं भी सोचूंगी। ओके। ज्योति वहां चली गई। मगर तेरे पिताजी कहाँ हैं? वो तो बॉम्बे में हैं। और अब तुम्हें भी मेरे साथ बॉम्बे चलना है, क्योंकि वो एक डांस टीचर के साथ शादी करने वाले हैं। मम्मी, अब सिर्फ तुम ही उन्हें रोक सकती हो। किरण, इतने सालों तक मैंने उन्हें कभी नहीं रोका, तो आज क्यों रोकूंगी? तो क्या ज्योति और मैं जिंदगी भर तुम्हारे और डैडी के प्यार के लिए तरसती ही रहेंगे? नहीं बेटी, तुम दोनों के प्यार के बगैर भी तो मेरी गोद सुनी है, मगर मैं उनके पास कैसे जाऊं? वो मुझे छोड़कर गए हैं, मैंने तो उनका साथ कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने आज तक जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से किया। मैं क्या कर सकती हूँ किरण? कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। संगीता, क्या हुआ? कहाँ जा रही हो तुम? मम्मी, किरण चली गई, मेरे मतलब ज्योति चली गई। ज्योति चली गई? कहाँ चली गई? मम्मी बाद में समझाती हूँ। हमारी गाड़ी से टकरा गई। हे भगवान, मेरी तो एक ही बच्ची है। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तो पागल हो जाती। इतनी छोटी सी बच्ची को आप रास्ते पर अकेली मत छोड़ा करें। क्या करूं, मजबूर हूं। जन्म से अंधी हूं ना, देख नहीं सकती। आप देख नहीं सकती? आप सोच रही होंगी कि मुझ जैसी अभागन की मांग कैसे भर गई, है ना? ये सब एक देवता का किया हुआ उपकार है, जो हमारा घर बसाकर खुद बेघर हो गए। जी, आइए मैं आपको उस देवता की तस्वीर दिखाती हूँ।
तस्वीर देख तो नहीं सकती, मगर रोजाना उनकी पूजा जरूर करती हूँ। इन्हीं के दिए हुए रुपयों से मेरी शादी हुई। मैंने स्वर्ग जैसा पवित्र संसार बनाया, मगर उनकी पत्नी ने उनके संसार को नरक बना दिया। बड़ा ही गंदा शक किया उन्होंने अपने देवता पर, और सब कुछ छोड़ छाड़ के कहीं चले गए। ऐसा मैंने 7 साल पहले सुना था। आप भी अजीब आदमी है, कहाँ घूमते रहते हैं सारा दिन? आपको कुछ पता है? ज्योति घर से गायब है। हाँ धर्मपत्नी, तुम जैसे इंसान जहाँ रहते हैं वहाँ से कभी कभी भगवान भी गायब हो सकता है। क्या कहा? कुछ नहीं कुछ नहीं, माँ की उस लाडली को मैं बॉम्बे जाने वाली हवाई जहाज में बैठा कर आया हूँ। क्या आपने ज्योति को बम्बई भेज दिया? ज्योति को नहीं, किरण को। किरण? हाँ वो किरण थी जो अमर के पास रहती थी। तो फिर हमारी ज्योति कहाँ है? ज्योति अमर के पास है। अब किरण चली गई तो ज्योति भी वापस आ जाएगी। ओह, अब हम समझे। उसने धोखेबाजी से दूसरी बच्ची को भी अपने कब्जे में कर लिया। आखिर अपनी जात दिखा ही दी उसने। नहीं मम्मी नहीं, तुमने हमेशा उन्हें गलत समझा, गलत सोचा, गलत फैसला किया, और आज आज भी तुम उन्हें गलत समझ रही हो मम्मी। संगीता तुम होश में तो हो? अगर हर घर में तुम जैसी माएं होने लगी तो दुनिया की किसी बेटी का कभी कभी कोई घर ही ना बसे। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? कसूर सिर्फ आप ही का नहीं, मेरा भी है, जो मैंने आपके घमंड और अहंकार को अपने जीने का अंदाज बना लिया और आपके बताए हुए हर रास्तों पर अंधों की तरह चलती रही, और एक छोटी सी गलतफहमी में अपनी जिंदगी के कई साल यूं ही गुजार दिए। वो गलतफहमी नहीं, हकीकत थी। नहीं माँ, जिस औरत के साथ तुमने उनका पाप का रिश्ता जोड़ा था वो पाप का नहीं इंसानियत का रिश्ता था। उन रुपयों से उन्होंने उस लड़की का घर बसाया था जो अंधी थी। आज मेरी सारी गलतफहमियां दूर हो चुकी हैं, और अब मैं उनके पास जा रही हूँ। किसके पास? जो तुम्हें ठोकर मारकर चला गया? वो नहीं गए, हमने उन्हें जाने पर मजबूर कर दिया था। मैं उनसे जाकर अपने किए की माफी मांगूंगी। माफी? आज तक हमारे खानदान में किसी ने झुकना नहीं सीखा, और तुम खबरदार बगैर हमारे मर्जी के तुम इस घर के बाहर कदम नहीं रख सकती, समझी? ए धर्मपत्नी, तुम्हारी मर्जी से चलने वाली इसकी जिंदगी खत्म हो चुकी है। अभी अपनी मर्जी से चलेगी, अपने पति की। ले बेटी अमर का पता और चले जाओ वहाँ। ये क्या कर रहे हैं आप? खामोश, वरना सर तोड़ दूंगा डंडे से। अरे वाह, हमारे सामने ऊंची आवाज में बोलने की ताकत भी आ गई आप में। इन हाथों में इस वक्त तुम्हारा गला दबाने की भी ताकत आ गई। ये क्या कर रहे हैं आप? आज तक हालात से समझौता करता आया था कि एक घर बना रहे, लेकिन मेरे समझौते को मेरी कमजोरी मत समझो। देखिए जी, हम आपसे कह रहे हैं, आज मेरी बेटी के बिखरे हुए घर को फिर से बनने का मौका मिला है। मैं खामोश नहीं रहूंगा आज। चलो चलो अपने कमरे में जाओ, वरना देख रही हो ना डंडा। किरण, ज्योति, अच्छा हुआ तू आ गई। मगर मम्मी कहाँ है? मैंने बहुत कोशिश की मगर मम्मी नहीं आई। नाना जी की मदद से मैं यहाँ आ गई। उन्होंने कहा है कि शायद मम्मी मुझे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ सकती हैं। अब शायद लगता है कुछ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? उस डांस टीचर ने पापा को शराब पिला पिला कर अपने बस में कर लिया है। पापा हमारी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं। और हाँ, पापा से उस डांस टीचर ने शादी करने की तारीख भी पक्की कर ली है, इसी 13 तारीख को। अच्छा, आज तो 8 तारीख है। कहाँ है डैडी? ऊपर बैठे हैं। डैडी। आओ बेटा। डैडी, आप इतनी शराब पीने लगे हैं, ये क्या हालत बना रखी है? पहले तो इतनी शराब कभी नहीं पीते थे आप। जाओ किरण, अपने कमरे में जाओ। नहीं डैडी, अगर हमें मालूम होता कि हमारे जाने के बाद आपकी ये हालत हो जाएगी तो हम उस पिकनिक पर कभी नहीं जाते।
हम उस पिकनिक पर कभी नहीं जाते डैडी, छोड़ दो ये शराब। गिरन, behave yourself। जो एक बार डैडी ने बोल दिया ना, बोल दिया। ना गोड़ी रूम। नहीं डैडी, हम आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे और ना ही उस डांस टीचर को आपसे शादी करने देंगे। देखो किरण, तुम बहुत छोटी हो, ना समझो, बड़ों की बातों में दखल मत दो, जाओ से। डैडी, हमारी मम्मी में ऐसी क्या बुराई है, क्या बिगाड़ा है उन्होंने आपका? क्या आप हमारी मम्मी को फिर से इस घर में नहीं ला सकते? डैडी, अगर आप उन्हें बुलाएंगे तो वो जरूर आ जाएंगी। हाँ, मुझे सौतेली माँ नहीं, अपनी असली माँ चाहिए, अपनी सगी माँ चाहिए। तुम कुछ नहीं जानती, मुझे रिटर्न मत करो, जाओ जाओ अपने रूम में। प्लीज डैडी, मान जाइए ना हमारी बात, मत पीजिए शराब, आप ये पीकर बहुत बदल जाते हैं। मैं आपको नहीं पीने दूंगी, नहीं पीने दूंगी। कुछ दिन बाहर क्या रह गई है, बड़ी बदतमीज हो गई है। मत रो किरण, मैंने तुझसे कहा था ना डैडी के पास मत जाओ। ज्योति, तू सच कहती थी, डैडी सचमुच बहुत बदल गए हैं। जिंदगी में आज पहली बार उन्होंने मुझे मारा है। अब हम क्या करें किरण, लगता है अब पापा का प्यार हमें कभी नहीं मिलेगा। ज्योति, तू तो माँ के घर चली जाएगी, मगर मेरा क्या होगा? इस घर में सौतेली माँ आ जाएगी, आज डैडी ने मुझे थप्पड़ मारा है, कल घर से निकाल देंगे। हम माँ के घर चलते हैं, उन्हें किसी तरह मना कर यहाँ ले आते हैं। चल, अगर हमको ले भी आए तो कोई फायदा नहीं होगा, तब तक डैडी उस डांस टीचर से शादी कर लेंगे और हमारा कोई भी नहीं रहेगा। नहीं किरण, जिनका कोई नहीं होता है उनका भगवान होता है। हम दोनों एक काम करेंगे, हम वैष्णो देवी चलेंगे। नाना जी कहते थे कि वहाँ जो भी मांगो वो जरूर मिलता है। हम प्रार्थना करेंगे कि हमारे माँ बाप एक हो जाए। ऐसा तो तुम एक जैसा दो दो है हा? अच्छा, तुम लोग वैष्णो देवी जाएगा हा? चलो हम लेके जाता है, चलो आओ, बराबर लेके जाएगा वैष्णो देवी। अच्छा, मन्नत मांगना तुम लोग, ये तुम्हारा वैष्णो देवी, इधर बैठ के पूजा करना और सड़ना इधर। तुम्हारा बाप का शादी मेरे बेटे से होएगा, मेरे बेटे का शादी तुम्हारा बाप से होएगा। हाँ, डेंजर कल्लू कल्लन कालिया कौन है? अपुन है। कल्लन, आयो, तुम इधर दारू पी के मजा मारता है? वो दो छोकरी देखो, हमको झाड़ू से मारा और हमारा प्लान पर झाड़ू फेरने को गया, मालूम? काय का बमा बम करके मूड का सत्यानाशी कर रहे लिए? मूड? अरे हम तुमको गमूट से मारेगा, उठ। अरे काय को संताप दे रहे लिए, हुआ क्या है? अरे वो दिल्ली का ओरिजिनल बीवी का लड़की इधर आया और दोनों बैग किनकर वैष्णो देवी का मंदिर मन्नत मांगने गया माँ बाप को मिलाने का वास्ते। अरे तो जाने देना, ऐसा कौन सा भगवान है जो मंदिर से उठ के आएगा मियाँ बीवी का हाथ मिलवाएगा? जा 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 जा। अयो, भगवान नहीं मिलाएगा तो वो दो लड़की मिला देगा, वो बहुत डेंजरस छोकरी, तुम्हारे बहन की जिंदगी में जहर डाल देगा। देखो वो तो उधर गया है, वो वापस नहीं आना मांगता, तुम कुछ करो नहीं तो वो लोग घर में आएगा, हमको बाहर जाना पड़ेगा। ना, हम लोग उस घर की तिजोरी के अंदर होंगे और वो लोग इस दुनिया से बाहर। एक बात बता, वो जो मेरी बहन के पेट में अमर का बच्चा ठहर गया है, उसका झूठा ड्रामा तो फिट है ना? हाँ है। कौन है? मिस्टर अमर?
आप ही मिस्टर अमर की धर्म पत्नी है जो उनकी पत्नी होने का धर्म निभा ना सकी। अब क्या निभाने आई हो? मैं उनसे माफी मांगने आई हूँ और अपनी गलती का प्रायश्चित करने। प्रायश्चित? जो पत्नी अपने पति से इतने सालों दूर रही हो उसने ना जाने कितने पाप किए होंगे। इतने ढेर सारे पापों के लिए पल भर की माफी काफी है क्या? सच कहा है किसी ने, कीचड़ में पत्थर फेंकोगे तो कीचड़ खुद ही पर उड़ेगा। वैसे कीचड़ पे कीचड़ गिर जाए तो कीचड़ को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं यहाँ अपने पति से मिलने आई हूँ। तुम जैसी नाचने वाली औरत से बहस करके अपनी इज्जत कम करने नहीं। छोड़ो मेरा रास्ता। मेरे होते हुए तुम इस घर की सीढ़ियाँ नहीं चढ़ सकती। जब कोई पत्नी अपने पति से मिलने जाती है तो तुम जैसी औरत तो क्या, उसे कोई नहीं रोक सकता। हट जा सामने से। अपनी माँ की दौलत का नशा और घमंड उतर गया है क्या जो आज मेरी चौखट पर आ गई हो? अमर, मैं तुमसे। हाँ हाँ हाँ, समझा। मेरे हालात देखने आई हो कि मैंने तुम्हारी माँ की तरह अमीरी के आसमान को छुआ या नहीं, तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के काबिल हुआ या नहीं। हाँ? नहीं अमर, ऐसा मत बोलो, तुम नहीं जानते। क्यों, दो ही जुमलों में घायल हो गए क्या? दिल को ठेस लगने लगी। और फिर इतने बरसों बाद आज मेरे पास यहाँ क्या लेने आई हो? हमारी जिंदगी में आग लगाने, ये चाहती नहीं कि तुम सुख से रहो। जब तुम्हारी शादी हुई थी तब भी इसने तुम्हें सिर्फ दुख ही दुख दिए थे, और आज जब तुम अपना घर फिर से बसाना चाहते हो, तुम्हारा घर बसने से पहले उजाड़ने चली आई है। नहीं नहीं, मैं आपकी खुशियों के बीच दीवार बनने नहीं आई हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो हमेशा आपकी खुशी ही चाहती हूँ। मैं तो अपने केक की माफी मांगने आई थी। माफी मांगने या कोई नई चाल चलने? नहीं, आप पर किए शक का पाप जो मेरे सर पर बोझ बना है उस पाप का प्रायश्चित करने आई थी। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, कहीं भी दूर, बहुत दूर आपसे। मुझे अपनी बेटी दे दीजिए। बेटी? सुना तुमने, जिस बच्ची को मैंने अपनी जान से ज्यादा प्यार किया है, जो तुम्हारी खुशी है या हमसे हमारी खुशी छीनने आई है, दोंगी कहीं की। चल, चल। ढोंगी ये बेचारी नहीं, ढोंगी ये दोनों शैतान है। गोवर्धन, ये क्या तमाशा है? तमाशा है नहीं, तमाशा था। ये माँ बेटी के नाटक पे से पर्दा उठ चुका है, इनका खेल खत्म हो चुका। नहीं जी, ये झूठ बोलता जी। चुप। झूठ बोलता है? मैं कुछ समझा नहीं गोवर्धन। समझो कभी कैसे, माँ बेटी ने तुम्हें शराब पिला पिला कर तुम्हारी आंखों में नशे की पट्टी जो बांध दी। गौर से सुनो, इसके पेट में ना ही तुम्हारा बच्चा है ना किसी का बच्चा है, समझे? ये सिर्फ तुम्हें फंसाने के लिए माँ बेटी ने एक चाल चली थी। क्या बोल, मैंने जो कुछ कहा वो सच है कि नहीं? बोल। हमारा गलती हो गया जी, हमको माफ करो। मतलब ये सब सच है? नहीं नहीं अमर साहब, ये झूठ बोल रहा है। तो गोवर्धन झूठ बोल रहा है? गोवर्धन झूठ बोल रहा है। और तुम्हारी माँ? मेरी माँ कमीनी, नीच, जलील। और अरे दो चांटे और मार अमर, तू जानता नहीं इन दोनों ने किरण और ज्योति के साथ क्या किया? किरण और ज्योति? लेकिन ज्योतियां कब आई? अरे जो शादी रोक रही थी वो ज्योति थी, और जिसे तूने थप्पड़ मारा वो किरण थी। शराब के नशे में इतना अंधा हो गया था कि मैंने अपनी बच्ची को थप्पड़ मारा। शराब ने मुझे इंसान से जानवर बना दिया है। कमीनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ो, जाके किरण और ज्योति को बचाओ। क्यों, क्या हुआ? कहाँ है मेरी ज्योति और किरण?
वो तुम दोनों को मिलाने के लिए देवी से प्रार्थना करने के लिए वैष्णो देवी के मंदिर गई हुई है, और इस कमीने का भाई उन दोनों की जान लेने के लिए उनके पीछे गया हुआ है। तुम चलो, अब मैं तुम दोनों को हवालात की ऑमलेट खिलाता हूँ कानूनी अंडे का। चलो। मुझसे भागकर कहाँ जा रही हो मेरी प्यारी बच्चियों? मैं तुम्हारा कंस मामा हूँ। मैं कराता हूँ तुम्हें माता के दर्शन, बड़ी आई माँ बाप को मिलाने वाली। देखता हूँ क्या करती है तुम्हारी माता। क्यों बे जीजे, तो यहाँ तक भी पहुँच गया? मेरे बच्चों को छोड़ दे। मेरा नाम है कल्लू कल्लन कालिया, अभी बनाता हूँ तेरा चालिया। माफ कर दे माँ, बच्चों के जन्म पर यहाँ आने की मन्नत इन दोनों ने पूरी नहीं की, इसलिए 7 साल तक दुख भुगतते रहे। माफ कर दे माँ। माता,
मम्मी और डैडी को भी थोड़ी बुद्धि देना जिससे वो लोग झगड़ा ना करें, और नानी को भी थोड़ी बुद्धि देना जिससे वो कोई गलती ना करें। जय माता दी। 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 जयकारा वालिदा, बहुत साजे दरबार की।